हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को आज दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, पूरा भारत वर्ष हर वर्ष दीपावली मनाता है, लेकिन हम सब यही जानते हैं ना कि आज के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे और इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। ये तो एक कारण है, इसके अलावा भी बहुत से कारण है दोस्तों। क्या आपको मालूम है? नहीं ना? कि ऐसे और कौन से कारण है जिसकी वजह से भारतवर्ष में हर भाषा के लोग, हर प्रांत के लोग दीपावली मनाते हैं। तो चलिए हम वही सब जानकारी आपको देंगे, लेकिन हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से कारण है दीपावली मनाने के। दीपावली पर्व से जुड़ी 17 वजह हैं जिनकी वजह से दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, जिस कारण ये त्योहार किसी खास समूह का ना होकर संपूर्ण राष्ट्र का हो गया है। धर्म की दृष्टि से दीपावली के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व है। अनेक धर्म ग्रंथ दीपावली का ऐतिहासिक महत्व हमें बताते हैं। आइए जानते हैं दीपावली से जुड़े धार्मिक तथ्य क्या हैं। पहला तथ्य है, विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूल लोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर दी। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पद पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पद पृथ्वी दान में दे दी। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गईं। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के 6 गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के 1 दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। 500 ईसा वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलाते दिखाई देते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। ये भी कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण ने आताताई नरकासुर जैसी दुष्ट का वध किया, तब ब्रजवासियों ने अपनी प्रसन्नता दीपों को जलाकर प्रकट की थी। राक्षसों का वध करने के लिए मां देवी ने महाकाली का रूप धारण किया।
राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनकी रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ था। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली थी। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन इलाही के प्रत्येक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दिवाली धूमधाम से मनाते थे। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन ही हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गईं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों यानी कि नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दीपावली से संबंधित कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसके अंदर कौन सी जानकारी आपको पहले से मालूम थी। धन्यवाद।